हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आखिर ये फॉरेक्स रिजर्व है क्या, ये विदेशी मुद्रा भंडार है क्या। अभी 4-5 दिनों से आपने पेपर में पढ़ा होगा, 4 जून को एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व पहुंचा 605 अरब डॉलर। भारत ने इसने रूस को भी पीछे छोड़ दिया। रूस के पास विदेशी मुद्रा भंडार है वो भारत से कम हो गए हैं। भारत का स्थान 4वें लेवल पर पहुंच गया है। तो आखिर ये है क्या और विदेशी मुद्रा भंडार होने से देश की इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ता है, देश का इकोनॉमी कैसे चलती है विदेशी मुद्रा भंडार होने से, क्या अपना रुपीस कहीं काम नहीं आता है। विदेशी मुद्रा भंडार वहाँ काम आता है जब आप आयात करते हो, जब आप किसी देश से कुछ खरीदते हो तब आपको विदेशी मुद्रा भंडार में ही पेमेंट करना होता है, तब आपका रुपीस वहाँ काम नहीं आता है। आप एक दूसरे से आयात निर्यात कर रहे हो तब आपको इंटरनेशनल मार्केट में जो करेंसी चलती है, जैसे कि अपन कह सकते हैं डॉलर बहुत ही चलती है, अधिकतर देश डॉलर में ही व्यापार करते हैं, तो आपको वहाँ डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, आप रुपीज़ में पेमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप अपनी करेंसी में पेमेंट करोगे तो कोई भी आपका माल आपको नहीं बेचेगा। आपको अगर किसी विदेश से कोई भी माल बेचना है या खरीदना है तो सिर्फ आपको डॉलर में ही व्यापार करना पड़ेगा, तो उसको आप विदेशी मुद्रा भंडार या विदेशी मुद्रा कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारे आते हैं, इसमें गोल्ड भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो किसी देश के पास जितना ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसे उस देश की स्थिति स्ट्रांग होती है। तो आज अपन इसके बारे में जानेंगे आखिर ये है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी देश के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, कि मतलब आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार आखिर कुल कितना है उसको फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है। इसमें विदेशी कंपनियों का शेयर हो सकते हैं जो टॉप लेवल की है, उसका शेयर हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, बॉन्ड ये हो सकते हैं, बहुत सारी विदेशी कंपनियां अपना बॉन्ड निकालती है तो उस बॉन्ड को अपन खरीदते हैं, उस बॉन्ड की वैल्यू होती है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने वो फॉरेक्स रिजर्व में गिनी जाती है। थर्ड है स्वर्ण भंडार। गोल्ड का तो आपको पता ही हो कि गोल्ड का पूरे वर्ल्ड में गोल्ड की कितनी वैल्यू है। जिस देश के पास में जितना ज़्यादा सोना होता है उस देश को ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि आज गोल्ड का कोई भी इसके कंपैरिजन में कोई नहीं है। जिस देश के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो अपने फॉरेक्स रिजर्व में भी, विदेशी मुद्रा भंडार में भी गोल्ड को रखना बहुत जरूरी है। गोल्ड भी एक स्टॉक मात्रा में हर देश के पास होता है और वो विदेशी मुद्रा में गिना जाता है। सेकंड है IMF। IMF के पास भी रिजर्व कोर्स होता है। IMF ये होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसको इसमें टोटल 189 देश है और 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडिया इसमें 1991 में जुड़ा था और इसका प्रेजेंट में मुख्यालय है वॉशिंगटन। अब IMF का मुख्य काम क्या है? IMF में 189 कंट्रीज हैं। इसका मुख्य काम है कि एक दूसरे देशों के बीच में अच्छा व्यापार चलाना और देशों की जो एक दूसरे के देशों की जो मुद्राएं हैं उनकी वैल्यू बराबर रखनी है, और कोई देश संकट में है तो उस देश की मदद करनी है, और एक तरीके से अपन कह सकें कि व्यापार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और एक अभी एक लेट और भी मुद्दा चलाता है कि किसी देश में गरीबी है तो गरीबी को दूर करना IMF का काम होता है। इसमें 189 कंट्रीज हैं और सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है, इस IMF पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। इसके बाद में आता है SDR। SDR क्या है? SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। यह कोई मुद्रा नहीं है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट का मतलब कि जैसे कि आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंट्री ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, तो अगर आपके देश में कोई संकट आता है, कोई वैश्विक महामारी आती है, जैसे अभी कोरोना आ गए थे, किसी देश को एक स्पेशल राइट दिया जाता है कि आप वहाँ इंटरनेशनल मॉनेटरी से फंड ले सकते हो, लेकिन वो फंड आपको क्रेडिट के रूप में मिलता है, ना कि आप उसको लेके और कुछ वापस दो ना। तो एक स्पेशल राइट दिए जाते हैं उस ग्रुप के कंट्रीज को कि ताकि आप उसे एक्स्ट्रा पेमेंट ले सकते हो, स्पेशल राइट है। अब इसमें कोई एक स्पेशल मुद्रा नहीं है, इसमें एक बास्केट है, अपन ये कह सकते हैं एक टोकरी। उस टोकरी में कुल 5 देशों की मुद्राएं शामिल की गई हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उस सबको मिला के उसको एक SDR का रूप दिया गया है। उस 5 देशों की मुद्रा कौन कौन सी है मैं बताता हूँ। अमेरिका की डॉलर इसमें है, यूरोप की यूरो है, चीन की है, जापान की येन है और ब्रिटेन की पाउंड है। इन 5 देशों की मुद्रा को बना के SDR बनाया गया है, स्पेशल राइट, मतलब इन 5 देशों की मुद्राएं इसमें गिनी जाती है। अब आप आगे देखेंगे कि किस देश के पास में कितना रिजर्व भंडार है, कितना विदेशी मुद्रा भंडार है, और इस विदेशी मुद्रा भंडार से आम आदमी, अपने इंडिया के आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी में और इंडिया की इकोनॉमी में
क्या फर्क पड़ सकता है और जितना ज्यादा होगा उतना उस देश को क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में भी अपन जानते हैं। आइए देखते हैं। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप 4 कंट्रीज बता रहा हूं मैं जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। देखिए अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा चीन के पास है 3,330 अरब डॉलर। और फिर उसके बाद जापान के पास है 1,370 अरब डॉलर। उसके बाद स्विट्जरलैंड के पास है 1,070 अरब डॉलर। उसके बाद भारत का स्थान आ गया, इससे पहले रूस था, रूस का 600 अरब डॉलर था, भारत का 605 अरब डॉलर हो चुका है। अब इससे अपन जानेंगे इस समय इकोनॉमी में क्या फायदा मिलता है। इससे इकोनॉमी का अपने ये फायदा मिलता है, इसको एक इकोनॉमी का स्वास्थ्य मीटर माना जाता है कि अगर के अगर आपके पास में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है किसी कंट्री के पास में, तो वर्ल्ड के देश ये मानते हैं कि इसकी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है, इस देश की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी, इसको एक स्वास्थ्य का पैरामीटर माना जाता है। आप ये समझ सकते हो कि अगर जिस देश के पास में ज़्यादा अगर फॉरेक्स रिजर्व है तो उसका इकोनॉमी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ये माना जाता है। और इससे यह कब बढ़ता है, जब जब एक्सपोर्ट बढ़ता है और आयात घटता है तब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। जब आप अपने देश में बनी कुछ चीज़ें आप निर्यात ज़्यादा करते हो और वहाँ से आयात कम कर रहे हो तो आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ चीज़ें निर्यात कर रहे हो तो वहाँ पे विदेशी मुद्रा आपके पास आएगी, और जब कम आयात कर रहे हो तो वही विदेशी मुद्रा कम बाहर जाएगी। तो इससे अगर अपना एक्सपोर्ट बढ़ता है और आयात घटता है तो इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व बढ़ती रहती है। अब इसमें आम आदमी का फर्क, आम आदमी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इसका भी जानते हैं। आम आदमी के ये फायदा मिलता है कि जो सरकारी योजनाएं चलती है उसमें ज़्यादा पैसा आता है। सरकारी योजना जैसे कि कोई जो आम जन कल्याण के लिए कोई चीज़ें चल रही है, कोई स्कीम चल रही है गवर्नमेंट के, तो उससे ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा पैसा खर्च किया जा सकता है। इससे आम आदमी को बहुत ही फायदा मिलता है। अगर जिस कंट्री की फॉरेक्स रिजर्व बहुत बड़ा हुआ होता है तो जो जन कल्याण की योजना होती है उसमें ज़्यादा पैसा आता है। इसी के साथ आज मैंने आपको समझाया कि फॉरेक्स रिजर्व क्या है और इसके बढ़ने से इंडिया के ऊपर क्या फ़ायदा मिलता है, आज हमने ये जाना। इसी के साथ देखते रहिए मेरे वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे।